इन 9 गलतियों की वजह से होती है घर में धन की कमी। हर मनुष्य अपने जीवन आगे बने के प्रयास करता है, इसके लिए वह पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना कार्य को गति देता है। इसके बावजूद कुछ लोग जीवन भर दरिद्रता के शिकार बने रहते हैं। भरपूर मेहनत के बाद भी वे अमीर बनने के स्वप्न देखते रह जाते हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हैं, जो मनुष्य को अज्ञानता के कारण समझ नहीं आते। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं, जिनके करने से घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है और मनुष्य अपनी किस्मत को कोसता रहता है। आइए जानते हैं कौन से हैं वो काम जिनसे घर में दरिद्रता आती है। 1. कभी भी टूटी हुई कंघी से बाल को नहीं संवारना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है, तो इससे आपके घर के अंदर गरीबी आ सकती है। इसलिए यदि घर के अंदर किसी तरह की टूटी हुई कंघी मौजूद है, तो उसको बाहर फेंक देना चाहिए और उसके स्थान पर नई कंघी का प्रयोग किया जाना चाहिए। 2. अपने बिस्तर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। ये बीमारी को तो आमंत्रित करता ही है, इसके अलावा इसकी वजह से आपके घर के अंदर गरीबी भी आती है। यदि बिस्तर गंदा हो गया है, तो उसको समय समय पर साफ करना जरूरी होता है। कभी भी गंदी या फटी हुई बेडशीट पर ना सोएं। बेड पर बिछी फटी या गंदी चादर आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकती है। जीवन में नकारात्मकता लाती है। साथ ही सोकर उठने के बाद अपना बिस्तर तुरंत व्यवस्थित कर दें। 3. गाय और बैल को हिंदू धर्म के अंदर बहुत अधिक शुभ माना जाता है और गाय को माता के रूप में देखा जाता है, इसलिए उनको कभी भी लात नहीं मारनी चाहिए। यदि कोई गाय या बैल को लात मारता है, तो यह माना जाता है कि उस घर के अंदर गरीबी आती है। वैसे भी गाय का अपमान नहीं किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि उसके अंदर सभी तरह के देवता निवास करते हैं। गाय को रोजाना रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से भी घर में धन आता है। 4. यदि आप सूर्य उगने के बाद उठते हैं, तो इसकी वजह से गरीबी आती है। हमारे यहाँ पर यह कहा जाता है कि इंसान को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जो इंसान जल्दी उठता है, उसके यहाँ पर कभी भी गरीबी नहीं आती है और घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है। खैर, बहुत सारे लोग तो इस तरह के होते हैं जो कि सूर्य उगने के बाद ही पड़े रहते हैं, तो उनके यहाँ पर कभी भी धन नहीं ठहरता है। 5. शमशान भूमि के अंदर यदि किसी मुर्दे को लेकर जाया गया है और आप दाह संस्कार के अंदर गए हैं, तो वहाँ पर आपको कभी भी हंसना नहीं चाहिए। ऐसा करने मरे हुए लोगों को उपहास के तौर पर देखा जाता है। इस तरह का करने से घर के अंदर गरीबी आती है। हालांकि वहाँ पर आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हंसना किसी के लिए भी सही नहीं होता है। 6. अक्सर लोगों के घरों में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली होती है। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के कपड़ों को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। 7. आप अगर अपने रूम में दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं, तो यह वस्तु के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती है और जो आती है वह भी वह दरवाजे से ही लौट जाती है। 8. ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। कहते हैं कि अगर तुलसी का पौधा सूखता है, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि घर की आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है। जब कभी भी आपके घर में तुलसी का पौधा सूख जाए, तो तुरंत तुलसी का हरा भरा पौधा उसकी जगह पर लगाएं। 9. वास्तु के अनुसार अगर आपके घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे अक्सर खुले रहते हैं, तो आपको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक परेशानी से बचने के लिए बाथरूम और टॉयलेट को हमेशा बंद रखें। 10. घर में टूटी चप्पलों को रखना अशुभ माना जाता है।
इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। साथ ही फटे पुराने कपड़ों को भी घर में न रखें। यह अशुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। इन्हें आप किसी को दान कर दें या उसका उचित निस्तारण करें। 11. जंग लगे ताले, बंद घड़ी। घर में रखे बंद घड़ी, जंग लगे हुए खराब ताले आपको तेजी से गरीबी में धकेल सकते हैं। इन्हें घर से तुरंत बाहर करें। अगर आपकी दुकान या घर की चाबी बहुत सावधानी से रखने के बावजूद जंग लग जाती है, तो यह आपके जीवन में आर्थिक संकट आने का संकेत है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।